वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिन पायलट को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर अब सियासत गर्मा गई। राजस्थान ने सचिन पायलट को लेकर दिए बयान के बाद सियासी पारे में उठी गर्मी अब भोपाल पहुंच गई है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पर तंज कसा, कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के दौरान किसी ने पार्टी के साथ गद्दारी की थी, ये सभी जानते हैं। अब ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उज्जैन पहुंचे राहुल गांधी को तय करना है कि कौन क्या है। ऐसे सार्वजनिक गद्दार कहना, जबकि अभी सोनिया जी ने जब अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कहा तो किसने बगावत की? अब गद्दार कौन है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जिन्होंने सोनिया जी को आंखें दिखा दी वो, या जिन्होंने गहलोत जी को दिखाई वो, ये तो तय अब राहुल बाबा ही करेंगे मध्य प्रदेश। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा अप्रासंगिक हो गई है, पूरे देश में चलकर मध्य प्रदेश आई है। अभी तक कोई तूफान नहीं आया, कोई समर्थन नहीं मिला। मध्य प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा को कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। वहीं राहुल गांधी पर भी निशाना साधते उन्होंने कहा कि आरएसएस को कोसते कोसते राहुल की तीन पीढ़ियां खत्म हो गई हैं। भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई है, पूरे देश में चल के आ रही है, कहीं भी तूफान नहीं आया, कहीं भी समर्थन नहीं मिला, मध्य प्रदेश में भी कोई समर्थन नहीं मिला। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर निशाना साधा। बीजेपी नेता धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को विवादास्पद बताया। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर समाज तोड़ो का कार्य काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, और यहां से जो जत्था जा रही है मिट्टी लेकर के, सात नदियों को जल लेकर के, तो आखिर उस जल का और मिट्टी का क्या उपयोग करेंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई स्टेचू बनाने वाले हैं? मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक कोई धरोहर को इनके द्वारा कुछ किया जाना है, इस बात को भी जरूर बताएंगे वो। और निश्चित रूप से जाना चाहिए, उनके नेता का कार्यक्रम है, सीआर के भी उसमें बात है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, इसलिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लेनी भी चाहिए। उनके पार्टी का मामला है, इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वास्तविक में राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम जहां से शुरू किए हैं, कन्याकुमारी केरल से लेकर के हम देख रहे हैं कि विवादास्पद बनते जा रहा है यात्रा। इस बीच रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल, कल इंदौर के महू में यात्रा में शामिल होंगे। भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर जनसभा होगी, जनसभा में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और कल इंदौर के महू में इस यात्रा में शामिल होते हुए भूपेश बघेल नजर आएंगे। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे संवाददाता अंकुश फोनलाइन पर। अंकुश, क्या जानकारी मिल रही है सीएम भूपेश बघेल के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर? देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो मध्य प्रदेश में इस दौरान चल रही है, और उसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस से करीब 322 कांग्रेस की नेता पहले ही पहुंच चुके हैं, और इसी दौरान अब खबर ये आई है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस यात्रा में शामिल होंगे। बाबा साहेब की जन्मस्थली महू जिले के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करते हुए नजर आएंगे, और माना जा रहा है कि दिल्ली